दोस्तों, अगर आपके पास भी किसी की फोटो है और आप उसकी फोटो के साथ उसका इंस्टाग्राम अकाउंट फाइंड करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सौरभ पे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी की फोटो से उसका बिना नाम जाने उसका इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पूरी प्रोसेस को जानने के लिए वीडियो के अंदर बने रहे और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ साथ बेल नोटिफिकेशन के आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर देना, हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्द से जल्दी पहुंच सके बिना किसी देरी के। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो जहां पे मैं अपनी फोटो ही ले रहा हूँ, मान लीजिए मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए बैक जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोटो है मेरे पास, जिसके जरिए मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट फाइंड आउट करूंगा। आप किसी की भी फोटो ले सकते हैं, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो या कोई और हो। यहां से आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। यहां पे आपको फोटो को अपलोड कर देना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आप पूरी प्रोसेस को देख लें। यहां पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे, यहां पे आपको अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डन पे क्लिक कर देना है। यहां पे लोडिंग हो रही है, आपको वेट कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे वाली जो शे ऑप्शन है उनको आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि सोशल मीडिया, सेक्स ऑफेंडर्स, स्कैमर्स, मग शॉट्स, न्यूज एंड ब्लॉग्स, वीडियोस। यहाँ पे आपको सर्च इंटरनेट बाय फेस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आई अंडरस्टैंड को आपको टिक मार्क कर देना है। यहां से एग्री एंड सर्च पे क्लिक कर देना है। यहां से इस पजल को सॉल्व कर देना है। तो यहां पे हमारी फोटो यहां पे सर्च होना स्टार्ट हो गई है। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको यहां पे थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है। अभी यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे सर्चिंग स्टार्ट हो गई है और 57% ऑलमोस्ट यहां पे हो चुका है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मेरा प्रोफाइल जहां पे मेरे को शो हो गया है, यहां पे आप देख सकते हैं 90 से 100 के बीच 100% मैच है, 83 से 89 कॉन्फिडेंट है, 70 से 82 तक अनसर्टेन है, 50 से 69 वीक है। अभी यहां पे आप देख सकते हैं पहले नंबर पे मेरे को एक प्रोफाइल शो हो गया है जो कि मेरा ही है। आपको यहां पे कोई ना कोई सोशल मीडिया का अकाउंट यहां पे शो हो जाएगा जो कि आपकी फोटो से मैच कर रहा होगा। यहां पे आपको सबसे ज्यादा मैच करने वाले प्रोफाइल को सबसे पहले ओपन कर लेना है, जैसे कि पहले वाला है 88 वाला। यहां पे इस प्रोफाइल पे क्लिक कर देते हैं। यहां पे साइन इन करने को कह रहा है, लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारा प्रोफाइल यहां पे ओपन हो गया है। यहां पे आप देख सकते हैं कि लिंक्डइन का प्रोफाइल यहां पे ओपन हो गया है जो कि मेरा करेक्ट प्रोफाइल है। तो यहां से आपको इस पर्सन का नाम यहां पे शो हो जाएगा। हो सकता है कि आपके केस में आपको इंस्टाग्राम का या फेसबुक का प्रोफाइल यहां पे देखने को मिले। मान लीजिए आपको फेसबुक का प्रोफाइल मिलता है तो आप वहां से उसका नाम डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे जहां पे मेरा नाम मुझे लिंक्डइन के प्रोफाइल से मिल गया है, इसे कॉपी करेंगे। इसके बाद यहां से आपको इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। यहाँ पे सर्च बार में आपको क्लिक करना है और नाम को यहाँ पे सर्च कर देना है। यहाँ पे आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सौरभ खन्ना को सर्च कर लेना है। सर्चिंग हो रही है, आपको वेट कर लेना है। यहां पे आप देख सकते हैं कि दूसरे नंबर पे हमें सौरभ खन्ना का प्रोफाइल मिल गया है। क्लिक करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने फोटो के जरिए उस पर्सन का नाम यहां पे डिटेक्ट किया और उसके बाद उसका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल यहां पे हमने ढूंढ लिया। तो आई होप आपको पता चल गया हो कि आप किसी पर्सन का इंस्टाग्राम प्रोफाइल उसकी फोटो के जरिए कैसे ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो में इतना, आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो चला तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ साथ वीडियो का रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं।
हम आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।